कल में संत समाज ध्यान शिविर में भाग लेने के लिए आए हुए साधक एवं साधिकागण, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सद्गुरु कबीर की वाणी में ध्यान के लिए प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। उनकी सहज समाधि और सहज ध्यान से आप लोग परिचित हैं। सद्गुरु कबीर के जमाने से ही कबीर अनुयायी संत और भक्त ध्यान करते रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से करते रहे हैं, अपना अपना अलग अलग, जब जिसको जैसी सुविधा मिल जाती थी। ध्यान की परंपरा कबीर साहब के ज़माने से चली आ रही थी। वैसे कबीर साहब के ज़माने से नहीं, ध्यान तो बहुत पुराना है। ऋग्वेद में भी ध्यान के सूत्र मिलते हैं, उपनिषदों में तो ध्यान है ही, शास्त्रों में ध्यान है, अनेक विधियां ध्यान की थी और सभी विधियों से लोगों को लाभ हो रहा था। मानसिक क्लेश, तनाव, चिंता से छुटकारा मिलकर प्रसन्नता, शांति की अनुभूति हो रही थी। उसी परंपरा में कबीर साहब ने अपनी सहज समाधि और सहज ध्यान की बात कही। कबीर अनुयायी संत और भक्त ध्यान करते रहे, लेकिन सामूहिक रूप से ध्यान का आयोजन कबीर पंथ में नहीं होता रहा। कबीर पंथ में पहली बार सामूहिक रूप से ध्यान का आयोजन पूज्य गुरुदेव जी द्वारा शुरू किया गया। वैसे तो सभी संतों का उपकार रहा है, सभी संतों ने मिलकर कबीरपंथ पारसिद्धांत की गतिविधि को आगे बढ़ाया, सींचा है, लेकिन दो चीजें पारसिद्धांत कबीरपंथ के लिए गुरुदेव जी की विशेष देन है। उन्होंने ग्रंथ लिखा, ये भी उनकी देन है, लेकिन ग्रंथ के अलावा दो ऐसी बातें हैं जिन पर हमारे पूर्व संतों ने ध्यान नहीं दिया था, सोचा नहीं था। साधना परायण थे, एकांत प्रेमी थे, सोचा नहीं। एक तो ध्यान, कि सामूहिक रूप से ध्यान का आयोजन किया जाए, जहाँ आकर जिसमें उपस्थित होकर संत और भक्त ध्यान की विधि सीखें, औरों को सिखाएं और शांति से जीवन जीते हुए कल्याण मार्ग में आगे बढ़े। दूसरी चीज जो कबीर पंथ के लिए कहना चाहिए,
हमारे सिद्धांत के लिए जो गुरुदेव जी की विशेष देन है वह है साध्वियों के लिए आश्रम। साध्वियाँ होती थीं लेकिन वे अपने अपने घर में रहती थी, माता पिता भाई भाभी भतीजे के सानिध्य में रहकर घर में रहते हुए घर का कामकाज में सहयोग करते हुए साधना करती थी। लेकिन साधुओं के लिए जैसे स्वतंत्र आश्रम होता है या हुआ करता था आज है, ऐसे साध्वियों के लिए कोई स्वतंत्र आश्रम नहीं था जहाँ रह करके साध्वियाँ ध्यान कर सकें। इसके लिए गुरुदेव जी द्वारा पहल हुई और उनके संरक्षण में कई आश्रम बने जहाँ पर साध्वियाँ रह करके स्वतंत्रता पूर्वक साधना भजन का कल्याण का काम कर रहे हैं। ध्यान हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो जीवन का मर्म सही ढंग से समझकर सही ढंग से जीवन जीना चाहता है। व्यवहार का काम मजबूरी है, उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है आत्मशांति, आत्मोन्नति और लौकिक विकास से संभव नहीं है, संभव है आंतरिक विकास से। और बिना ध्यान के आंतरिक विकास नहीं हो सकता। ध्यान को हम तीन रूप में बांट सकते हैं। पहला है मन की एकाग्रता, किसी एक बिंदु पर मन को केंद्रित करना, एकाग्र करना, श्वास देखकर, ज्योति देखकर, गुरु का चित्र देखकर, नाद सुनकर या त्राटक लगा करके किसी प्रकार मन एकाग्र हो। मन की एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है व्यवहार के लिए भी और परमार्थ के लिए भी। एकाग्र होकर जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता जल्दी मिलती है, ज़्यादा मिलती है। ध्यान का दूसरा रूप है दृष्टा, दृष्टा भाव। मन में उठने वाले जो विचार हैं उनको केवल देखना और देख करके छोड़ देना, मिलना नहीं। ध्यान अच्छा है या विचार अच्छा है या बुरा है, ये भी कुछ आरोपण नहीं करना, केवल देखना और अपने कुछ से अलग कर लेना, ये दृष्टा। और फिर स्थिति, मन का पूरी तरह से शांत मौन हो जाना, कोई संकल्प, कोई विचार, कोई चिंतन, कोई याद न रहना, ये अंतिम दशा है। और जब मन पूरी तरह से मौन हो जाता है तब हमें हमारी वास्तविकता का बोध होता है, वहाँ कहना सुनना सब खत्म। इसी के लिए प्रसिद्ध सूफी संत मौलाना रूम ने कहा था, चश्म बंदो गोश बंदो लब भी बंद, गर्न बीने सर्रेहक
बर्मन बखन, आँखों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, होठों को बंद कर लो, और इतने पर भी सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। आँख, कान और होठ तीन के नाम लिए गए। मूल बात है सारी इंद्रियां और मन का पूर्ण संयमित हो जाना, शांत हो जाना। इंद्रियों ने अपना व्यापार छोड़ दिया, मन ने अपना व्यापार छोड़ दिया, तब उस दशा में सत्य का साक्षात्कार होता है, आत्मानुभव होता है, आत्म साक्षात्कार, आत्म स्थिति होती है। छांदोग्य उपनिषद में नारद को समझाते हुए सनत कुमार ने कहा है, यत्र नानत पश्यति नाना श्रृणति नानत विजानाति सब भूम, जहाँ कुछ देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, सारा कुछ सब बंद, जहाँ कुछ जाना भी नहीं जाता, सारा जानना मन से होता है, और मन ही शांत हो गया, जहाँ न देखना है, न सुनना है, न जानना है, वह भूमा है, वह आत्मा की स्थिति है, वह आत्मा साक्षात है, आत्मलीनता है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमाम गतिम, जब मन के सहित इंद्रियां अवतिष्ठित हो गई, शांत हो गई, मन ने भी अपना व्यापार करना बंद कर दिया, उस दशा को कहते हैं परम गति। ये अंतिम दशा है, वहाँ पाना कुछ नहीं है, देखना कुछ नहीं है, मिलना कुछ नहीं है, ज्यों का त्यों, जहाँ का पद तहाँ समाई, ये अंतिम ध्यान है। यहाँ आकर मन में कोई क्लेश नहीं रह जाता, सारा क्लेश, सारा दुख समाप्त। इसी स्थिति तक पहुँचने के लिए हम लोगों को प्रयास करना है। ये ध्यान शिविर का आयोजन उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक कदम है। यहाँ आप लोग आए 7 दिनों तक, 8-8 घंटा अभ्यास करते रहे, सत्संग भी सुनते रहे, अभ्यास भी करते रहे, अब किसको कितनी सफलता मिली यह तो हर व्यक्ति का अपना अलग अलग अनुभव, अलग अलग विषय है, कोई दूसरे से जान नहीं सकता। लेकिन थोड़ी बहुत सफलता तो हर किसी साधक को मिली होगी, या साधक साधिकाएं जो भी कहें सबको मिली होगी, जिन्होंने श्रद्धा भाव पूर्वक अभ्यास किया। अब इस अभ्यास को आपको निरंतर जारी रखना है अपने घर में, कार्य क्षेत्र में। यहाँ किए, घर में जाकर के छोड़ दिए तो इतना करना लाभदायी नहीं होगा। आपको जब जैसे अवसर मिले, सुबह, दोपहर, शाम को, रात्रि में सोते समय, उस समय करें। नहाए हैं तो करें, नहीं नहाए हैं तो करें। कुछ लोग कहते हैं साहब हमें नहाना थोड़ा देर से होता है, तब कैसे करें? बिना नहाए किए करें आप, जरूरी नहीं है आपका नहाना, बिना नहाए करें। शौच हुए हैं तो कर रहे हैं, ना हुए तो कर लें, इसमें हर्ज क्या है? जैसा हो वैसा करें। जब जिससे बंधन होता है ऐसे कामों को हम बिना नहाए कर सकते हैं, तो जिससे बंधन करता है उस काम को बिना नहाए क्यों नहीं कर सकते? बिना नहाए
गुस्सा कर सकते हो, बिना नहाए लड़ाई लड़ सकते हो, बिना लड़ाई लोभ कर सकते हो, बिना नहाए मोह कर सकते हो, बिना नहाए राग द्वेष कर सकते हो, बिना नहाए ध्यान क्यों नहीं कर सकते? हर समय करो। जैसे हो वैसे करो। जमीन पर बैठ करके नहीं कर सकते, कुर्सी पर बैठ कर करो। शारीरिक अवस्था ऐसी है कि जमीन पर देर तक नहीं बैठा जा सकता, कुर्सी पर बैठ कर ये करो। कुर्सी पर ही बैठना मुश्किल है, बिस्तर पर लेट कर करो। अब कहोगे साहब बिस्तर पर लेट कर करते हैं नींद आ जाती है, बढ़िया बढ़िया, लोग नींद के दवा खाते हैं, आपको बिना दवा का आ रही नींद, ये भी तो सफलता है ना। ध्यान करते करते नींद लग गई, संस्कार तो बढ़िया रहेगा, मन तो बढ़िया रहेगा, एक आदत तो बनेगी। चाहे जैसे हो करो। ठाढ़े बैठे लेटे उतान कहें कबीर हम एक समान, साहब तो ये कहते हैं। खड़े हो बैठे हो लेते हो लेटे हो उतान हो, साहब कहते हम एक समान हैं। हर समय करो इसको। तो यहाँ से जाने के बाद इसको निरंतर जारी रखें जैसी आपको सुविधा हो। एक घंटा नहीं कर सकते, आधा घंटा करो। आधा घंटा नहीं बैठते एक बात तो 15-15 मिनट करके दो बार बैठो, रोज बैठो। तो यहाँ जो आए आपने अभ्यास किया, सफलता सबको मिली। मान लो सफलता नहीं भी मिली हुई, मन एकाग्र नहीं हुआ, तो 7-8 दिनों तक आप साधु आश्रम में साधु संतों के बीच अपना गुजारे, सात्विक सुपाच्य भोजन किए, सात्विक शांत वातावरण में निवास किए, ज्ञान की बात सुने, कुछ संस्कार मन में पड़े, ये भी तो लाभ है ना। हाँ, इसके लिए जरूरी है निरंतर सावधानी। इतनी सावधानी के साथ विवेक पूर्वक होश पूर्वक काम करें कि जीवन का प्रत्येक कर्म ध्यान बन जाए। जब जीवन के प्रत्येक कर्म को हम ध्यान में बना लेंगे तो जब अभ्यास के लिए बैठेंगे तो उस अभ्यास में हमें सफलता मिलेगी। जीवन को प्रत्येक कर्म को सेवा समझ करके करें। मैंने एक दिन कहा था हम सेवा करते हैं, मजदूरी करते हैं और बेगारी करते हैं, बिना मन के करते हैं, जबरदस्ती कोई काम करते हैं। करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं, करना जरूरी है। बिना मन के बिना प्रेम करते हैं तो बेगारी कर रहे हैं। चलो भाई नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, जीवन जरा जरूरी करना है, खाना पीना तो पड़ेगा ही। जीवन निर्वाह के लिए कर रहे हैं तो मजदूरी कर रहे हैं। और ये इस दृष्टि से कर रहे हैं कि मुझे अपने चित्त की शुद्धि के लिए करना है। मेरा सौभाग्य जो मुझे सेवा करने का अवसर मिला तो सेवा कर रहे हैं। एक ही काम का 3 प्रकार से असर होता है। तो किसी भी काम को सेवा समझ करके करेंगे, प्रेम से करेंगे, सावधानी पूर्वक करेंगे तो आपका खाना पीना सोना जागना खेत खलिहान दफ्तर में काम करना सब ध्यान बन जाएगा। प्रत्येक क्रिया सावधानी के साथ जागरूकता के साथ होश के साथ जब करते रहेंगे, आपस का व्यवहार प्रेम पूर्वक समता पूर्वक करते रहेंगे तो अभ्यास में सफलता मिलेगी। गुरुदेव जी ने ये जो पद्धति चलाई है इस पद्धति को हमें जीवन में उतारना है। आज गुरुदेव जी का शारीरिक जन्म दिवस है, गुरुदेव जी का शरीर होता तो आज वे उनका शरीर 84 साल हो गया होता।
लेकिन उन्होंने 84 को बहुत पहले पार कर लिया, हम लोग 84 में पड़े रह गए हैं। सबको 84 से पार होना है, और 84 से पार होने के लिए ही तो ये ध्यान साधना का क्रम है, ये बाग गुरुदेव जी का लगाया हुआ है, हम लोग उसी में कुछ और कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, भगत आते हैं, भावना उनकी होती है, कहते हैं साहब गुरुदेव जी के नहीं रहने पर यहाँ बहुत विकास हो गया, अमुक मकान बन गया, अमुक मकान बन गया, अमुक मकान बन गया, इधर ये बड़ा हाल बन रहा है, ये बहुत विकास हो गया। गुरुदेव जी के शब्दों में ये सब माटी गोबर का विकास है, ये हमारा विकास नहीं है। हमारा विकास होगा हमारे मन की निर्मलता, हमारा विकास होगा हमारे मन की अंतर्मुखता, हमारा विकास होगा मन का दुख से पार चले जाना, हमारा विकास होगा सभी स्थितियों में सम शांत भाव में रहना, और हमारा विकास होगा जिस किसी साधन से बने बंधन और दुख से छुटकारा पाना। उसी के लिए मानव जीवन मिला है, उसी के लिए साधु संगत और संत गुरु की शरणागति की आवश्यकता होती है। बाहर हमने क्या किया नहीं किया ये कोई बड़ा मूल्य नहीं है, ये तो जैसी आवश्यकता होती है आप लोग कुछ सहयोग कर देते हैं उसी को हम लोग बाहर लगा देते हैं। हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, लेकिन गुरुदेव जी ने जो धारा चलाई ज्ञान की, भक्ति की, ध्यान की धारा, उस धारा को हम कहाँ तक आगे बढ़ा सकते हैं। हमें सोचना यह है ये जो ज्ञान भक्ति ध्यान साधना की धारा गुरुदेव जी ने प्रवाहित की, इस धारा को हम और अधिक विस्तृत करके अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर सकते हैं, या इस धारा को मरुस्थल में ले जा करके समाप्त कर देते हैं, ये हमें सोचना है। हम गुरुदेव जी की आज याद कर रहे हैं औपचारिक रूप से, हमें ये सोचना है गुरुदेव जी ने जो संदेश दिया वो जीवन में कितना उतरा। गुरुदेव के सानिध्य में रहने वाले जितने संत हैं, क्योंकि संत इसलिए कह रहा हूँ वे लोग ज़्यादा सानिध्य में रहते थे, भक्त भी रहते थे लेकिन भक्तों का संपर्क बहुत कम पड़ता था, सानिध्य में वे कम रहते थे। संत ब्रह्मचारी साधक जो घर द्वार छोड़ करके आ गए वे ज़्यादा रहते थे। तो गुरुदेव के सानिध्य में रहने वाले जितने भी संत साधक हैं सबका ये अनुभव है कि गुरुदेव जी मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। बहुत अच्छी बात, ये सबका अपना अनुभव है। अब सोचना हमको यह है गुरुदेव जी हमको सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, गुरुदेव की सेवा करने का हमको अवसर मिला, गुरुदेव जी ने प्यार तो किया उसका हम अनुभव कर रहे हैं। सोचना यह है 5 वर्ष हो रहे हैं गुरुदेव जी के शरीर को शांत हुए, इन 5 वर्षों के बीच, इन 5 वर्षों के दरमियान आज वर्तमान में जैसा उन्हें से लेकर के आज हमारे जीवन का जो व्यवहार है, आज हमारे जीवन के जो कर्म हैं,
आज हमारे मन की जो दशा है वो दशा कहती है, हमारा झुकाव। गुरुदेव जी के साथ रहते हुए जो काम हम करते वो काम हम कितना कर रहे हैं और उस काम में हमें ढिलाई आ गई है या बढ़ोतरी आ गई है। आज जैसे मेरा जीवन है, जैसे मेरे जीवन की गतिविधि है, उस जीवन की गतिविधि, मेरे व्यवहार, मेरे जीवन के कर्म, मेरे जीवन की रहनी को देखकर यदि आज गुरुदेव जी आए तो खुश होंगे या उन्हें दुख होगा, सोचना हमें यह है कि आज गुरुदेव जी आ गए तो हमें देख करके वे क्या अनुभव करेंगे। मान लो कल्पना करो इस आश्रम में गुरुदेव जी आ गए और हम लोगों का व्यवहार देखा, अब कहा यह आश्रम तो मेरे रहने लायक नहीं है, चले गए। इस आश्रम को हम लोग इस दफा में बनाकर रख रहे हैं या गुरुदेव जी आ जाएं और देख करके हम लोगों के व्यवहार, हम लोग जीवन के कर्म, आचरण को देख करके खुश हो जाए कि बेटा मेरे नहीं रहने पर भी तुम लोगों ने जो किया है, जो तुम्हारा जीवन का आचरण है, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं यहीं सदा के लिए रह जाऊं, क्या हम लोग कर रहे हैं। ये श्रद्धांजलि होगी, हमारे जीवन के कर्म, हमारे जीवन के आचरण, हमारा व्यवहार, हमारे मन की रहनी को देख करके यदि गुरुदेव जी खुश होते हैं तो वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। बाहर तो सब बाहर बाहर हो रहा है, ये हमारा विकास नहीं है, ये उनके प्रति श्रद्धांजलि नहीं है, उनके जीवन को आचरण, जीवन के आचरण को उतारना श्रद्धांजलि है। बहुत लोग कहते हैं गुरुदेव जी का जीवन अचानक चला गया, यदि उनका जीवन 10 साल और रह गया होता तो समाज को बहुत कुछ देकर गए होते। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यदि वे उनका जीवन 10 साल और रहा होता तो अनेक अनमोल हीरे हमें मिल गए होते, अनमोल उपहार हमें मिल गया होता। लेकिन प्रश्न यह है गुरुदेव जी ने जितना दिया है उसको हम संभाल कर कितना रख रहे हैं, क्या उसको संभालने हमने क्षमता है? जितना गुरुदेव जी ने दिया है उसी को संभाल करके नहीं रख पा रहे हैं तो आगे दे दे उसको संभाल कर कैसे रख पाते हैं? यदि हम एक कह सकते हैं पूर्ण आत्मविश्वास के साथ गुरुदेव जी ने जो मुझे दिया है उसको मैं संभाल करके रख रहा हूं, मैंने संभाल लिया है, वो दिखाई नहीं पड़ेगा, वो तो हर आदमी की मानसिक स्थिति होगी। लेकिन जो उन्होंने दिया उसको मैंने संभाल कर रखा और मेरे जीवन के आचरण देकर गुरुदेव जी खुश हो जाएंगे तो मानो हम गुरु के मार्ग पर चल रहे हैं। बस सोचना हमको यह है अकेले बैठ करके, ये श्रद्धांजलि उनकी होगी। अधिक से अधिक विवेक, विचार, त्याग, बैराग, निष्काम, अनासक्त होकर ध्यान परायण होना, आत्मलीन होना और सद्गुरु कबीर के गुरुदेवी संदेशों को जीवन में जीना, ये उनके प्रति श्रद्धांजलि है। और ऐसा हम कर रहे हैं मानो हम गुरुदेव के चित्त कहलाने के अधिकारी हैं और हम ये सोचें गुरुदेव जी के नाम पर मैं कभी दाग नहीं लगने दूंगा, ऐसा जीवन जीऊंगा, तो गुरुदेव जी का जन्म दिवस मनाना हमारा सार्थक हो जाएगा। हमें और आपको, संत और भक्त दोनों को मिलकर ये काम करना है। किसी भी समाज में संत और भक्त दो पहिए हैं, कोई भी समाज केवल संतों के द्वारा नहीं चल सकता,
कोई भी समाज केवल भक्तों के द्वारा नहीं चल सकता। संत साधना करते हैं, भोजन कहाँ से आता है? भक्तों के हाथ से। भक्तों को जीवन जीने तरीका कौन बताएगा? ज्ञान भक्ति उपदेश कौन देगा? संत। संत ज्ञान देते हैं, भक्त जीवन निर्वाह के लिए सहयोग करते हैं, परस्पर सहयोगी, एक दूसरे के पूरक हैं दोनों। अब इस समाज को व्यवस्थित रखना है, सुंदर से बना करके रखना है, तो संत और भक्त दोनों का दायित्व है, दोनों की जिम्मेदारी है। भक्त यदि गलत मार्ग में जा रहे हैं तो उन्हें टोकना, उन्हें रोकना, समझाना संतों का दायित्व है। आखिर संत नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा? भक्त को मानसिक क्लेश से, गृहस्थी की जो चिंता है उसमें रहते रहते कैसे सुख शांति मिले, प्रसन्नता से जीवन जिए, धर्म के मार्ग में चलकर कैसे वे सुख का अनुभव करे, ये रास्ता बताना संतों का दायित्व है। लेकिन कभी कोई संत अपने रास्ते से भटक गया, साधना छोड़ बैठा या छोड़ रहा है, तो संत को सही मार्ग बताना भक्तों का दायित्व है। आखिर कौन रोकेगा? मैं गलत कर रहा हूं तो मेरे साथी तो रोकेंगे रोकेंगे, लेकिन आप लोगों का भी दायित्व है कि साहब आप गलत कर रहे हो, ये गुरुदेव की शिक्षा के विपरीत, आखिर हम लोग ऐसा आप गलत करो, हम लोग सहारा कहाँ मिलेगा? तो आपका दायित्व है। तो संत और भक्त दोनों मिलकर के गुरुदेव जी की जो देन है, उनकी उनकी जो दाय है, उसे कैसे संभालें, कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे आत्मकल्याण के मार्ग पर चलते हुए समाज की सेवा कर सकें, हमें आपको सोचना है। और ऐसा किया तो यही उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। आप लोग आए, उपस्थित हुए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सबके लिए आभार। और यहाँ जो सीखा, गुरुदेव की जो दीन है, उसको ले जा करके आगे फैलाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम। गुरुदेव शत गुरु मुक्ति दाता ते द्रौपदी पले पूजिए भाल चंदन पुष्प चरणों हार गल महदीजिए कर जोर करो मैं अस्तुति गुरु तारण तरण दया लो क्षमा करो अपराध साहेब दीन जीवन वाल हो आप पार करो साहेब जानते सब माँ के मैं अधम करनी जीव सदगुरु नाही हो कछु लाय के गुरु करत हूँ मैं बीनती प्रभु सुनिए जो दीन अनाथ के अदम उदारन भव बहारन जीवन करत सनात के ज
जगत स्वामी अजीत साहेब पारख गुण को कही सके दया क्षमा दे हो जिन में आप को सो लही सके मौम सद गुण नाही साहेब लहो मैं कैसे आपको बार बार मैं करत विनती शरण लीज दास को शरण शरण मैं शरण हो कहत बने कछु नाय जानत हो सबके ही सर्वोपरि गुरु माय करो। भीड़ न लगाएं, धीरे से आप लोग धीरे से आइए, आप लोग सबको समय मिलेगा। धीरे से एक तरफ से माताएं, एक तरफ से भक्त सज्जन, सभी लोग धीरे धीरे आए। करुणा निधि है स्वागत मंगल करण शुभ आइए भोले हुए किसी के आसन पर न जाए को चरणों में लो अपनाइए बहु राग द्वेष विग्रह युत पर वाह में बहते हुए निज नाम जहाज बैठाए के भव धार पार कराइए करुणा निधि है स्वागतम मंगल करण शुभ आइए भोले हुए निज दास को चरणों में लो अपनाइए बहु राग द्वेष विग्रह युत पर हमें बहते हुए निज नाम जहाज मिठाई के भव धार पार लगाइए करुणा निधि है स्वागत मंगल करण शुभ आइए भोले हुए निज दास को चरणों में लो अपनाइए कामा दिखल दल संग है सत मार्ग में आड़े खड़े गुरु ज्ञान अस वरदान करे तिन मार छार मिलाइए करुणा निधि है स्वागत मैं मंगल करण शुभ आइए भोले हुए निज दास को चरणों में लो अपनाइए अब दास का यही है विनय गुरु पतित पावन चरण में स्तुति करत निज सेवको अर्पित पात्र पुष्प सुविकारी
करुणा निधि है स्वागत मैं मंगल करन शुभ आइए भोले हुए निज दास को चरणों में लो अपनाइए स्वागत है कई बार आपका स्वागत है कई बार स्वागत है कई बार आपका स्वागत है कई दूर देश से आप पधारे दूर देश से आप पधारे सही सही कष्ट अपार आपका स्वागत है कई बार स्वागत है कई बार आपका स्वागत है कई बार स्वागत है कई बार आपका स्वागत है कई बार हृदय बिछाए चरण जमावे हृदय बिछाए चरण जमावे रही रही करत पुकार आपका स्वागत है कई बार रही रही करत पुकार आपका स्वागत है कई स्वागत है कई बार आपका स्वागत है कई सेवा हम कछु कर ना सकत हैं सेवा हम कछु कर ना सकत हैं लज्जित है कई बार आपका स्वागत है कई बार लज्जित है कई बार आपका स्वागत है कई बार स्वागत है कई बार आपका स्वागत है कई बार अति आनंद भयो हम सब को अति आनंद भयो हम सब को पाया दर्श तुम्हारे आपका स्वागत है कई बार स्वागत है कई बार आपका स्वागत है कई बार अति आनंद भयो हम सब को अति आनंद भयो हम सब को पाया दर्श तुम्हारे आपका स्वागत है कई बार स्वागत है कई बार आपका स्वागत है कई बार दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुमरे दर्शन की बलिहारी दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुमरे दर्शन की बलिहारी तुम्हारे दर्श से संकट कटत है तुम्हारे दर्श से संकट कटत है
भरमा मिटावत भारी गुरु जी तुमरे दर्शन के भले हारी भरमा मिटावत भारी गुरु जी तुमरे दर्शन के भले अरे दर्शन के बलिहारी गुरु जी तुमरे दर्शन के बलिहारी दर्शन के बलिहारी गुरु जी तुमरे दर्शन के ब संत स्वरूपे आप दयानिधि संत स्वरूपे आप दयानिधि खोलक भरमा की वारी गुरु जी तुमरे दर्शन की बलिहारी खोलक भरमा की वारी गुरु जी तुमरे दर्शन के बलिहारी दर्शन के बलिहारी गुरु जी तुमरे दर्शन के बलिहारी सुख स्वरूप कबीर कृपा निधि जिन्हें दरस सुख दियो दया करी आवागमन निवारी गुरु जी तुमरे दर्शन की बलिहारी आवागमन निवारी गुरु जी तुमरे दर्शन की बलिहारी दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुमरे दर्शन की बलि सुख स्वरूप कबीर कृपा निधि सुख स्वरूप कबीर कृपा निधि पूरन परख बिहारी गुरु जी तुमरे दर्शन की बलिहारी पूरन परख बिहारी गुरु जी तुमरे दर्शन की बलिहारी दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुमरे दर्शन की बलि वंदन हे गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरु काल जाल के फंदा भारी काल जाल के फंदा भारी परख लखाया उभेव तुमको वंदन हे गुरुदेव परख लखाया उभेव तुमको वंदन हे गुरु वंदन हे गुरुदेव तुमको वंदन हे गुरु वेद शास्त्र सब खोजत हारे वेद शास्त्र सब खोजत हारे मरमान जानत केव तुमको मरमान जानत केव तुमको वंदन हे गुरुदेव वंदन हे गुरुदेव तुमको वंदन हे गुरु
गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, ताकि करिए सेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहेब कबीर अभय पद दाता, साहेब कबीर अभय पद दाता, पुरन परख समेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, बैठो अभी, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहेब चल इधर कर लो, इधर आरते हो गुरु, आरते हो, आरते गरीब निवा साहेब, आरते हो, आरते दीन दयाल साहेब, आरते हो, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सूरत ज्योत जहाँ जाग साहेब, आरते हो, आरती गरीब निवा। आप लोग पीछे थोड़ा हो, पीछे हो जाए आरती, थोड़ा पीछे हो करके आरती करें सभी लोग, आरती दीन दयाल साहेब, एक बार घुमा करके थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे हो जाए और एक एक बार घुमा करके दूसरे को देते जाए। आरती गरीब निवाज साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो, आरती करो सदगुरु साहिब के, जहाँ सब संत समाज साहिब, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती, आरती दीन दयाल सा। पीछे हो जाएं आप लोग, भगत लोग भीड़ न लगाएं, भगत लोग पीछे होकर के आरती करें, पीछे पीछे, पीछे से आरती, पीछे हो जाए, माताएं भी थोड़ा पीछे हट के, दरस परस गुरु चरण शरण बा, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूट गयो यम जाल,
गाइब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब हो, साहिब कबीर संतन के कृपा से, साहिब कबीर संतन के कृपा से, भयो परख परकाश साहिब आरती हो, संतों भयो परख परकाश साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती। दास जान निज आपनो विनती सुनिए मोर, बिनवत हों कर जोरी के गुरु शरणागत तो, काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं भुलाए, दीन दास प्रभु जानी के लीजे बंद चुड़, मम दृष्टि महामलिन है खानी बानी के बीच, दया करी गुरु बोधिये मैं हुआ दमयति, काल जाल बहु फेर में परिहो निपट गवार, शरण आय की लाज है साहिब लीजे, मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे ना ममने, बंदी चोरिया दीजिए वरदान सदायक्ष, साहिब के दरबार में कमी काओ के ना, बंदा मोई पावे नहीं चोक चाकरी, नागरोर अधिकम तत्वम नागरोर अधिकम तप, गुरु ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तप, गुरु परतरम नास्ति नास्ति तत्त्वम गुरु। सभी लोग बैठ जाएं, पीछे होकर के, पीछे खसक करके सब लोग बैठे, बंदगी होगी। बंदो सन्मुख पारखे शीश भेंट धरि हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ, साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की, सद्गुरु राम सुरत साहिब की, सद्गुरु बिलास साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की, इस ज्ञान यज्ञ की, आज के आनंद मंगल की साहिब बंदगी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं यहाँ प्रसाद लेकर के जाएंगे, सब बैठे रहें, सब बैठे रहें, आप लोग अपनी अपनी जगह बैठे रहें, प्रसाद निकालिए, और प्रसाद के बाद यहाँ जितने भक्त सज्जन लोग उपस्थित हैं सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, आप लोग भंडार घर पहुँच कर के प्रसाद लेंगे। कुछ क्षण आप लोग और बैठे, प्रसाद लेकर के यहाँ से निकलेंगे, प्रसाद वितरण करने वाले जल्दी करें।